ये टूटी हुई जंजीर की फरियाद है हम, और दुनिया ये समझती है कि आजाद है हम। क्यों हमें लोग समझते हैं यहाँ परदेसी, एक मुद्दत से इसी शहर में आबाद है हम। काहे का तर्क वतन, काहे की हिजरते बाबा, इसी धरती की इसी देश की औलाद है हम। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हमको इस दौर तरक्की ने क्या दिया मेराज, कल भी आप बर्बाद थे आज भी बर्बाद है हम। आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज, खबर वही जो हो सही। दोस्तों, पिछले दो दिनों से मुजफ्फरनगर इस वक्त बड़ी चर्चाओं में है। चर्चाएं स्ट्रीम मीडिया में ना हो करके सोशल मीडिया पे ही सही और यूट्यूब पे ही सही हो रही है। ट्विटर और यूट्यूब पे चर्चाओं के साथ घिरा हुआ मुजफ्फरनगर, हम आज से 72 साल पहले आपको मुजफ्फरनगर लिए चलते हैं। 72 साल पुराना मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के जलालाबाद कस्बे ने एक फरमान जारी किया था 1950 में, यानी कि अभी से 74 साल पहले। संविधान जिस वर्ष लागू हुआ, संविधान के लागू होने के बाद जलालाबाद कस्बे ने, कस्बा अथॉरिटी ने तत्कालीन जो है एक व्यक्ति विशेष को ही पूरी सब्जी मंडी का लाइसेंस दे दिया। उस वक्त एक थे मोहम्मद यासीन साहब। मोहम्मद यासीन साहब इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट की तत्कालीन संवैधानिक बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत फैसला सुनाया था, जिसमें फैसला मोहम्मद यासीन के हक में था। मोहम्मद यासीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब यह फैसला आया 1952 में, तो मोहम्मद यासीन के एक बड़े अजीज दोस्त थे दलित समाज के गुरु, उन्होंने नगाड़ा पीट पीट करके पूरे जलालाबाद में इस चीज की घोषणा किया था कि जनता जीत गई और कस्बा हार गया। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसको बेशक मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन को एक बार अध्ययन करना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 35 में यह अधिकार है कि कोई भी इंसान किसी भी कारोबार को कर सकता है जो वैध हो। फिलहाल हम वापस मुजफ्फरनगर पे आते हैं, आज के मुजफ्फरनगर पे। मुजफ्फरनगर के जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, उस आदेश के तहत हर एक दुकानदार को अपनी दुकान का नाम जाहिर करना है और दुकान के मालिक प्रोप्राइटर और वहां काम करने वालों का नाम जाहिर करना है। आप समझ सकते हैं इस नाम जाहिर करने की क्या वजह हो सकती है। नाम में तो मजहब की तलाश होती है, तो मजहबों की तलाश। मुजफ्फरनगर से होकर के गुजरने वाली लगभग 225 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा के लिए विशेष रूप से इंतजाम किया गया है। विपक्ष अचानक जो है सरकार पे हमलावर है और उसका यह कहना है कि यह मुस्लिम समाज का आर्थिक बहिष्कार है, इसको कहीं से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। आप सोचिए, शाह आलम को अपनी दुकान पे लिखने में, पान की दुकान पे लिखने की मजबूरी, या निसार को आम के ठेले पे अपना नाम लिखने की मजबूरी, और या फिर वकील साहब, जब वकील साहब ने अपने लवर्स पॉइंट टी स्टॉल का नाम बदल करके वकील साहब टी स्टॉल किया, तो ऑब्जेक्शन उस पर भी, तो अब उन्होंने वकील अहमद टी स्टॉल कर रखा है। इन सारी चीजों को, इन सारी भावनाओं को आपको समझना चाहिए कि किस नफरत के तरफ हमारी सियासत हमको लेकर के जा रही है। इस मामले में अखिलेश यादव के ट्वीट पर आपको खास तौर से ध्यान देना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा हुआ है कि, और जिसका नाम गुड्डू मुन्ना छोटू या फत्ते है, उनके नाम में क्या पता चलेगा। माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे शासन की मंशा को जानकर की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध है जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। यही नहीं, हमको नहीं पता कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर किसी प्रकार का जो है कोई आदेश अपना वापस लिया है कि नहीं लिया है, मगर मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से आखिरी जो आदेश जारी हुआ था उसमें यह लिखा है कि श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान समीपवर्ती राज्यों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से जल उठाकर मुजफ्फरनगर जनपद से होकर गुजरते हैं। श्रावण के पवित्र माह में कई लोग, खासकर कांवड़िए, अपने खान पान के कुछ खास सामग्री का परहेज करते हैं। पूर्व में ऐसे दृष्टांत प्रकाश में आए हैं जहां कांवड़ मार्ग पर
हर प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के नाम इस प्रकार से रखे गए, जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इस प्रकार की पुनरावृत्ति रोकने के एवं श्रद्धालुओं की आस्था के दृष्टिगत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, खान पान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि वे स्वेच्छा से अपने मालिक का नाम और दुकान का नाम, प्रोप्राइटर का नाम प्रदर्शित करें, साथ ही कर्मचारियों के भी नाम प्रदर्शित करें। इस आदेश का आशय किसी प्रकार के धार्मिक विच्छेद ना होकर सिर्फ मुजफ्फरनगर जनपद से गुजरने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप और कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाने का है। इस तरीके का एक आदेश कल जारी हुआ और जारी होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में गया हुआ समझ में आता है। आपको समझना चाहिए कि किस नफरत के बीच को किस तरीके से परोसा जा रहा है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी का, अभिषेक सिंह का यह बयान आपको बहुत कुछ जाहिर करेगा। पुलिस वालों ने क्या नाम लिख के लगाओ अपना, इस पर टंगो नाम लिख के, उन्होंने क्या नाम लिख के लगाओ नहीं ठेले हटा देंगे। यह सही नहीं है, गलती है। ये प्रशासन के द्वारा लगाई गई, मेरा नाम लिखा है, फल का नाम लिखा है, बस ये मालूम नहीं करा। प्रशासन ने कहा अपने नाम के बुलाओ बोर्ड, नुकसान क्या रहेगा, 10-5 दिन तो 15 दिन तो बंद ही रखते हैं हम डेली। कांवड़ की जब यात्रा चलेगी फुल तो फिर तो बंद ही हो जाती है इधर से। ये प्रशासन के आदेश अनुसार लगा है कांवड़ के उपलक्ष्य में। इस पे जो हमारा प्रोप्राइटर का नाम है, पापा का नाम है अनीस अहमद, वो लिखवाया गया है, मुस्लिम नाम के बोर्ड लग रहे हैं। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। लिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से। मगर फिर भी आप एक चीज सोच करके बताइएगा, क्या योगी सरकार के एक मंत्री का यह बयान सिर्फ काफी है? हमने केवल यह कहा है कि कुछ मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें अपनी चलाए हमें कोई आपत्ति नहीं, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले कांवड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाह का कारण बनता है उनको पता। आपको पवन खेड़ा जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनका भी बयान ख्याल करके गौर से सुनना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आखिर इस नफरत की सियासत में किसका फायदा हो रहा है। क्या आम का धर्म पूछा जाएगा, या आम को उगाने वाले का भी धर्म पूछा जाएगा, या आम के बगीचे वाले का भी धर्म पूछा जाएगा? पान किस खेत से उग करके आया है उस खेत के मालिक का भी नाम पूछा जाएगा? चाय पत्ती के बागान का भी मालिक का नाम पूछा जाएगा? क्या इस तरीके का आदेश विप्रो और सिप्ला जैसी कंपनियों को भी दिया जा सकता है कि वो अपने नाम के आगे, अपने नाम में अपने प्रोप्राइटर के नाम को जाहिर करें? क्या इस तरीके का कोई आदेश अल कबीर जैसी संस्था को भी दिया जा सकता है कि जो मीट निर्यातक है वो अपने प्रोप्राइटर का नाम जाहिर करें? आप पवन खेड़ा के इस बयान को जरा सा गौर से सुनिए। नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूस को मालूम है हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं, वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मुझे, मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं,
इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े चार पांच जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। एमकेआर फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। पीएमएल इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज़।